हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रैपिड। स्टडी रैपिड के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 नवंबर 2018, यानी आज मंगलवार है। आज के दिन मैं बात करूंगा कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। जो एक करंट अफेयर्स की सीरीज है, ये आपको डेली मिलेगी पर डे। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम दोबारा से होने वाला, यानी एक नई वैकेंसी आई है जिसमें 50,000 लगभग वैकेंसी है। तो आप लोग यदि अप्लाई नहीं किए हो अभी तक, तो अप्लीकेशन आप फिल कर लीजिए। अप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी से बात करूंगा कि डेली आपको करंट अफेयर्स का एक वीडियो मिलेगा मॉर्निंग में सुबह 5 बजे। तो यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास ऑन टाइम पहुंचे पर डे। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, देख लेते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज के दिन, वो सारे सारे इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है जो कि रिलेटेड है, अभी हाल ही में जो एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हाल ही में कहाँ पे भारत और रसिया के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रही है। जो ज्वाइंट एक्सरसाइज में ये होता है, एक देश दूसरे देश की आर्मी के साथ मिल करके जो जो एक्सरसाइज होती है उसे कहा जाता है ज्वाइंट एक्सरसाइज। ज्वाइंट एक्सरसाइज जो रसिया और भारत के बीच में हो रही है, वो हो रही है झांसी उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। जो एग्ज़ाम है ये जनवरी में होने वाला है, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होगा, तो हम इस पर बात करेंगे। तो इस देखते हैं क्वेश्चन कहाँ पर है। ये जो एक्सरसाइज हो रही है वो हो रही है झांसी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं क्या है कि कौमी एकता सप्ताह कब से कब मनाया जाएगा। कौमी एकता जो सप्ताह मनाया जाएगा वो 19 तारीख से लेकर के 25 नवंबर तक मनाया जाएगा, यानी कल से शुरुआत हो चुकी है इसकी। कौमी एकता सप्ताह की शुरुआत 19 तारीख से लेके 25 तारीख तक सेलिब्रेट किया जाएगा। सैंडी बर्ड सेंचुरी कहां पर स्थित है। वैसे ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का नहीं है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके है, कि सैंडी जो बर्ड सेंचुरी है ये हरदोई उत्तर प्रदेश में है, जो कि लखनऊ डिवीजन में आता है। क्वेश्चन नंबर फोर, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व शौचालय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है वो सेलिब्रेट किया जाता है 19 नवंबर को प्रतिवर्ष, हर साल मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव कि KBL SB TASC योजना, जो ये योजना है इसकी शुरुआत किस बैंक ने किया है। इस योजना की जो शुरुआत किया है वो बैंक है कर्नाटका बैंक, यानी कर्नाटका बैंक ने KBL SB योजना की शुरुआत किया है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। हम इसलिए बात कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि 19 नवंबर को जो डेट है ये कल बहुत महत्वपूर्ण डेट था। इस दिन प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की थी रानी लक्ष्मीबाई जी को, तो ये इसलिए करंट अफेयर्स का टॉपिक बन सकता है, तो और स्पेशली उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो आप इसको जरूर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, उस्ताद अमजद अली खान जी को अभी कौन सा पुरस्कार दिया गया है और किसके लिए दिया गया है। ये जो पुरस्कार दिया गया है उनके सरोद वादन के लिए दिया गया है, क्योंकि सरोद वादन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा योगदान दिया हमारे देश के लिए, इसलिए सुमित्रा चरण राम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट ये अवार्ड उन्हें प्रोवाइड किया गया, यानी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर एट क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो IFFI का आयोजन होगा वो कहाँ पर होगा। ये होगा गोवा में। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज को भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। अब इससे बाकी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे कमिंग डेज में, मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू ऑन टाइम। मैं आपको कोशिश करूँगा पूरी कि आपको इसी से रिलेटेड टॉपिक पे क्वेश्चन मिल जाएंगे कम्प्लीटली कि कौन सी मूवी सेलेक्ट की गई है। क्वेश्चन नंबर नाइन, किस व्यक्ति को लोकायुक्त ऑफ वेस्ट बंगाल चुना गया है। लोकायुक्त जो चुना गया है वेस्ट ऑफ बंगाल का, वो उनका नाम है आसिम कुमार रॉय, यानी कि आसिम कुमार रॉय होंगे लोकायुक्त ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल के। क्वेश्चन नंबर टेन, इंदिरा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 19 नवंबर 1917 को, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि मोदी जी ने कल यानी 19 नवंबर को श्रद्धांजलि अर्पित की थी इंदिरा गांधी जी को,
इसलिए ये डे इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये अभी करंट क्वेश्चन है। वैसे आप जानते हैं इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी मिंत्रा अभी हाल ही में किस कंपनी के साथ मिलकर काम करेगी? आप जानते हैं ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी में सबसे बड़ी कंपनी है अमेजोन। अमेजोन पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है, और सेकंड नंबर पे इंडिया में जो कंपनी आती है, इंडिया लेवल की हम बात करें तो फ्लिपकार्ट इज द टॉप मोस्ट, और सेकंड नंबर इंडिया लेवल पे अमेजोन। बट इन दोनों कंपनियों में कॉम्पिटिशन होता रहता है, तो कभी कोई ऊपर जाता है, कभी कोई नीचे जाता है। वैसे आप जानते हैं कि फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने अभी परचेज कर लिया है, ज़्यादा शेयर किसका है? वॉलमार्ट का है। तो ये क्वेश्चन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन शॉपिंग में जो कंपनी जबोंग है, आप जानते हैं जहाँ पे शूज, ड्रेसेस और जीन्स इस तरह से जो भी टी शर्ट, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इस तरह से वेयरिंग प्रोडक्ट, कपड़े पहनने वाले, ये सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन शॉपिंग में दोनों पे बिकते हैं, स्पेशली जबोंग पे और मिंत्रा डॉट कॉम पे। क्वेश्चन नंबर 12। एयरबस जो एयर सेवा 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका जो उद्घाटन किया गया है वो नई दिल्ली में किया है, सुरेश प्रभु जी ने किया है, क्योंकि उड्डयन मंत्री हैं सुरेश प्रभु जी, तो आपको याद होना चाहिए एयरबस एयर सेवा 2 और इसका वेब पोर्टल और साथ में मोबाइल एप्लीकेशन दोनों का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13। हीरो ऑफ 197 लोखंडवाला लोंगेवाला बैटल का जो हुआ था, उनका जो निधन हुआ वो कौन थे, जो कि उस समय जो लड़ाई हुई थी लोंगेवाला का, उस लड़ाई में वो हीरो थे, उनका नाम है कुलदीप सिंह चांदपुरी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, कि आर्मी से रिलेटेड थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है कि दुनिया की तीसरी और एशिया की पहली कौन सी ऐसी औरत हैं, महिला हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। वो स्पेशलिस्ट थी किसकी? न्यूरो सर्जन, यानी कि वो एशिया की पहली न्यूरो सर्जन थी और दुनिया की तीसरी न्यूरो सर्जन थी। उनका भी हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम है TS कानका। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्पेशली ये साइंस या ये मेडिकल से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट है। नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? प्राकृतिक चिकित्सा दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 18 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि नेचुरोपैथी का इस समय क्रेज बहुत ज़्यादा है। क्रेज का मतलब उत्साह है और लोगों में जागरूकता है कि किस तरह से कोई भी डिजीज, बीमारी योगा, मेडिटेशन और नेचुरोपैथी के जरिए उसे आसानी से ट्रीट की जा सकती है या क्योर की जा सकती है। इसलिए ये इसका टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। नेचुरोपैथी जो डे सेलिब्रेट किया जाता है 18 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भारत के वित्त और राजस्व सचिव किसे चुना गया है? जो भारत के नए वित्त और राजस्व सचिव चुने गए हैं, उनका नाम है अजय भूषण पांडे, यानी अजय भूषण पांडे अब नए होंगे हमारे वित्त और राजस्व सचिव। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कमिंग एग्जाम। जितने भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम आने वाले हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, उन सभी के लिए सहायक ये वीडियो होगा। स्पेशली ये वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही सहायक होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है वो आपको मैं डेली प्रोवाइड करूंगा एक वीडियो। अगर आप एक वीडियो देखते हैं तो विद इन 3 मंथ्स के क्वेश्चन, 3 to 6 मंथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सहायक ये वीडियो होगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह से वीडियो डेली मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।